मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लोग हमारा ही प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे किसी भी मार्केटिंग के थ्रू, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो, चाहे वो पेड एड्स हो या फ्री ट्रैफिक हो, लोग हमारा ही प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? बिकॉज मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सेम प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत ज्यादा है। तो क्या है इसका आंसर, मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। और गाइस, अगर आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, उस पे मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, और जो बेल का आइकन है ना यार, उसको प्रेस कर दो, प्रेस कर दो कैसे भी, बिकॉज ये अलग एक झंझट है जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो बेल के आइकन को प्रेस कर दो, एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी वीडियोस मैं लेके आता रहूं। सो लेट्स गो। सो माय नेम इज टियन, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो लोग हमारा ये प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे किसी भी वे से, ठीक है? तो 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इस कंपटीशन को पूरी तरह से बीट करने के, सिर्फ 3 पॉइंट जो मैं यूज करता हूं और जो बहुत सारे मार्केटर्स यूज करते हैं, जो प्रो लेवल के मार्केटर्स हैं वो भी इन चीजों का ही यूज करते हैं कंपटीशन को बीट करने के लिए। सबसे पहला, फाइंड मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट विथ लो कॉम्पिटिशन एंड यू कैन से हिडन प्रोडक्ट। देखो गाइस, JVZoo, ClickBank, Warrior Plus एंड बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, मतलब कि प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, और जो दूसरी चीज है कि लोगों की कमी नहीं है। तो सबसे पहला कदम ये है, जब भी आप कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम को या प्रोडक्ट को प्रमोट करने का सोचते हो तो सबसे पहले ये चीज फाइंड करो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट कौन सा है और लो कंपटीशन में है, मतलब कि उसका कंपटीशन भी लो है। और जो दूसरी चीज करो उसमें उसमें ये करो कि लो कंट्री कंपटीशन वाला कंट्री फाइंड करो, ठीक है? मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है और दूसरा लो कंपटीशन, लो कंट्री कंपटीशन, मतलब कि उसको सेल करने वाले भी बहुत कम रहे हैं और ऐसी जगह वो सेल हो जहां पर जो कंट्री में कंपटीशन भी कम हो उस प्रोडक्ट के थ्रू। तो सबसे पहला तरीका ये है। दूसरा गाइस, स्टार्ट सेलिंग फर्स्ट लो टिकट। यू नो वन थिंग, देखो जो बड़े बड़े मार्केटर हैं, देखना वो कभी कभी अपना कोर्स लॉन्च करते हैं, जो कोर्स होता है मान लो $500 का, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास एक कोर्स है जो है आज से लेके 2-3 दिन तक सिर्फ $15 में, सिर्फ $19 में, सिर्फ $9 में। तो वो क्या करते हैं गाइस, वो करते ये हैं कि लोगों को अपने लिस्ट में लेके आते हैं। कौन से लिस्ट में? पेड लिस्ट में। देखो क्या होता है, एक ट्रिक होती है, ट्रिक ये होती है कि देखो आपका कोई भी कस्टमर, ठीक है, तो उसे फर्स्ट एक्सचेंज कराना सबसे बड़ा काम होता है, मतलब फर्स्ट मनी एक्सचेंज ये करना सबसे बड़ा काम होता है। जब वो पहली बार आपसे कुछ खरीद लेता है तो नेक्स्ट टाइम वो आप पे आंख बंद करके भरोसा करके खरीद सकता है, अगर आपका पहला प्रोडक्ट वैल्यूएबल रहा तो। यही मार्केटर्स करते हैं, सबसे पहले वो लो टिकट को सेल कर देते हैं, देन क्या करते हैं वो हाई टिकट सेल करते हैं। इट्स मीन कि अगर आपको $100 का प्रोडक्ट सेल करना है तो आप पहले उसको $9, $10, $15, $20, $25 तक का प्रोडक्ट सेल करो, देन उसके बाद हाई प्रोडक्ट, जो हाई कमीशन प्रोडक्ट है उनको सेल करो। तो इससे भी कई हद तक आप कंपटीशन को बीट कर लोगे। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल सॉल्यूशन मैं बोलूंगा इसको, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप किसी प्रोडक्ट के साथ बोनसेस ऐड कर सकते हो। लाइक जैसा कि मैं करता हूं बिल्डर में, मैं बिल्डर में क्या करता हूं कि मैं क्या करता हूं उसमें बहुत सारे बोनस ऐड करके रखा हूं जो मोर वैल्यूएबल है। तो क्या होता है, लोग क्या होता है जब उस चीज को खरीदने आते हैं बिल्डर को, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये बोनसेस और आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, जो मेरा कंपटीशन है अलग लोगों के साथ, मैं उनको बीट करके मैं उस बंदे को चीज भेज देता हूँ। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट प्रमोट करने जाओ तो मेक श्योर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो आप उसमें कुछ बोनसेस को एड कर दो एंड फिर अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर दो।
इससे क्या होगा कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आराम से डाउनग्रेड हो जाएगा और आप अपग्रेड हो जाओगे। तो ये जो तीन तरीके हैं ये आप यूज कर सकते हो सेलिंग में और ऑनलाइन मार्केटिंग में अपने कंपटीशन को बीट करने। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे मस्त मुझसे कनेक्ट करो बिकॉज वहां मैं सेलिंग टिप एंड मोटिवेशन एंड बहुत सारी चीजें स्टोरीज में बताते रहता हूं। तो उस इंस्टा पे मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करो और टच में रहो। और गाइज अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे टच में रहो। और भी कोई क्वेश्चन है तो मतलब पर्सनली कोई क्वेश्चन जो आप मतलब ऐसा नहीं पूछ सकते तो वो मुझे इनबॉक्स करके भी आप पूछ सकते हो, डीएम करके भी पूछ सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।